हेलो गाइस, हेलो गाइस। देखिए आज कौन कौन है हमारे साथ। गाइस आज हम शूटिंग करने जा रहे हैं गुना में, और हमारा थर्ड सॉन्ग की शूटिंग, और सब कुछ सामान रख लिया है। अब हम पैदल जा रहे हैं, मतलब प्लॉट तक, मतलब यहाँ से 1 किलोमीटर, आधा किलोमीटर हमको पैदल चलना है। इसके बाद हम लोग कार से जाने वाले हैं। सो गाइस देख सकते हैं ये सभी लोग, हम लोग जा रहे हैं रास्ते में, अभी बस पहुंचने वाले हैं। यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, हम लोग आए हुए हैं टाइल्स देखने। अभी रास्ते में यहाँ पे घर पड़ गया, तो टाइल्स पसंद कर रहे हैं सभी लोग। देखिए आपको दिखाती हूँ, काले दिख रहे हैं, गोरा कर दिया मैंने, थोड़ा सा काले दिख रहे थे। सो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हैं वो रखी हुई है गाड़ी, और उस गाड़ी से हम लोग अभी जाने वाले हैं। हाय गाइस, सो आप देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं गोपी सागर डैम में, और मेरे साथ है राकेश, बाकी के सभी लोग आगे चल रहे हैं। सो आई एम सो सॉरी, मैं आपको नहीं दिखा पाऊंगी, बट आगे चल के उनको अच्छे से दिखाऊंगी। हाँ गाइस, राकेश बिल्कुल निकल की तरह लग रहा है, निकल ऐसे ही बोलता है काला आ रहा हूँ, काला आ रहा हूँ। कैसे सेट करो कैमरा? अरे यार राकेश, यार अपन को करना पड़ता है, एटमॉस्फेयर हर जगह चेंज होता रहता है, काले गोरे। यार कैमरा अगर मैनुअल सेट किया हुआ है तो हमको चेंज करना पड़ेगा। अगर इसको मैं ऑटो पे कर दूंगी ना, तो जो नेचुरल है ना, वो सब नेचुरल आएगा। सो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये गौरव है जो कि पिछली साल आए हुए थे, पहले गाने में आपने देखा होगा, और अब ये दूसरे गाने में भी आए हुए हैं, और ये पकड़े हुए हैं गिम्बल, और साथ में गौरव का थैला जिसमें गौरव के कपड़े रखे हैं। सो गाइस अभी हम एक पुल पर खड़े हुए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें पूरे में पानी भरा हुआ है। सो फ्रेंड्स अभी आप लोग देख सकते हैं हम लोग पहुँच चुके हैं गोपी सागर डैम के अंदर फाइनली। और गाइस हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए हुए थे, उस रेस्टोरेंट के जो ऑनर थे उन्होंने मना कर दिया कि भाई इधर मत करो। सो आप देख सकते हैं कुछ लोग ऐसे भी होते हैं, एंड डिफरेंट टाइप ऑफ पीपल एवरीवेयर यू कैन फाइंड इट। सो सम पीपल होते हैं जो कहते हैं भाई बनाओ बनाओ बनाओ, बट इट्स ओके, हम लोग कोई और दूसरा होटल देखेंगे। कोई भी अपनी गाइस की तरह अच्छा नहीं होता। हाँ कोई दिक्कत नहीं। चलिए गाइस हम आपको दिखाते हैं, ये रहा गोपी सागर डैम, बट सॉरी ढंग से दिख नहीं रहा ड्यू टू सम टेक्निकल इशू, ये कैमरे का कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। सो अभी सभी लोग गए हैं, कहाँ गए पूजा सभी लोग? नंबर वन और क्या, वो आ रहे हैं सभी लोग करके, और ऋषिका है यहाँ पर गाइस, देख सकते हैं ये ऋषिका ने लिए हैं 5 रुपए के कुरकुरे। दो खा गई थी, झूठ नहीं, दो खा गई, दो 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 भाई गॉड, दो खा लिए, यस दो खा गई। ये देखिए नजर मत लगाओ ऋषिका को, अरे खा गई सारे। हां सो गाइस देख सकते हैं पीछे डैम है, पूरा ब्लू हो रहा है यहाँ पे डैम, वाटर वाटर पूरा ब्लू, यहाँ से देख सकते हैं आज हम ब्लू है, पानी 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 गाइस, हम उतनी दूर से ऐसा पूरा पैदल चलकर आ रहा है। ये देखिए ये यहाँ का गार्डन है हमारा गोपी सागर डैम का, यहाँ पे हम लोग अपना शूट करने वाले हैं। सो वो लोग आ रहे हैं गाइस, अभी आप देख सकते हैं सभी लोग चल के आ रहे हैं। सो हम शूटिंग स्टार्ट करते हैं अपनी। तुम्हारा उधर ही हो गया चेहरा, उसकी वजह इधर हो जाओ ना यहाँ पे, इधर और कुछ दिखाई नहीं, पीछे का कुछ मतलब नहीं है, बार बार आ रहा है। देखिए दोस्तों मेरी स्लीपर टूट चुकी है, मुझे बहुत दुख हो रहा है, अब मैं कैसे चलूंगी। और तुम जो घूम रही हो ना पूरा दोबारा उठो, क्यों धूप में चेहरा आ गया। अभी दीपक भैया बहुत परेशान करने वाले हैं सबको। चुप 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 चुप, जूम करो, देखो पटक मत दियो, पटक मत दियो, काम करा बस धक्का दे दिया फट का अलग। सो गाइज अभी आप देख सकते हैं अभी हम लोगों का यहाँ पर शूटिंग हो चुका है बहुत सारा, और अब हम जाने वाले हैं थोड़ा सा आगे। और देखिए सभी लोगों ने सामान उठा लिया है। पूजा तुमको ऐसा तो नहीं लग रहा कि तुम कुली बन गए हो? नहीं लग रहा?
यार रील्स वील्स छोड़ो इनकी यार, देखना वो सामान उठा रही है, वो कुली थोड़ी ना इनकी। लो मैं आगे हो गई। सो गाइस आप देख सकते हैं अब हम लोग जा रहे हैं आगे, और आगे हम लोग वीडियो बनाने जा रहे हैं, मतलब हमारा सॉन्ग इनकम्प्लीट है उसको कंप्लीट करने जा रहे हैं। देखो इनके कैमरा से कितने हाथ लग रहे हैं, और ऐसी आएगी वीडियो देखियो गाइस। देखिए क्या आपको वजन तो नहीं लग रहा कैमरा पकड़ते पड़ते, ठीक है पहुंचो पहले इधर आ जाओ और के चलो अब चलो गाइस। ये देखिए ऋषिका है, ऋषिका कैप्टन, ऋषिका कैप्टन। ऋषिका को कहाँ पर ज्यादा अच्छा लगा, बजरंगगढ़ के यहाँ पे? बजरंगगढ़, बजरंगगढ़ में बहुत अच्छा लगा था ऋषिका को। मुझे यहाँ पे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा, यहाँ पे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस एक घनी सी जंगल है और एक ये तालाब है, इसमें तो एक फूल भी नहीं खिला हुआ है बिल्कुल, ऐसा कैसा सिंपल सा, और तीन चार पाँच वो गेट है उनमें मधु दे रहा है। ऋषिका का कहने का मतलब है दूध 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 मतलब पानी पानी बह रहा है बहुत ही स्पीड के साथ। सो चलिए मैन, चलो मैन। ये भाई साहब आए हुए थे बदरवास से, आज बदरवास से आए हुए थे, इन्होंने अपनी छुट्टी मारी आज अपने काम से, क्योंकि ये आजकल काम करने लगे हैं, बिजी इंसान हो गए हैं, तो इनके लिए टाइम दे पाना बहुत मुश्किल है। और इतना बिजी होने के बावजूद भी इन्होंने हमें टाइम दिया, ये हमारे लिए बहुत बड़े गर्व की बात है। तो हम आपका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहेंगे, आपने अपना अपना कीमती समय हमें दिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सौभाग्य हमारे जो हम आपके साथ आना चाहे। वाह 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 वाह, तालियां टोको तालियां, टक 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 ठुक गई ठुक गई, देखो असली में ठुक गई, हम भी ठुक गए, ये भी ठुक गई, ये करवार तीन कैरेक्टर पागल हो चुके हैं रील्सों के चक्कर में और क्या। सो गाइस अभी मतलब ऐसा मौसम हो रहा है, कहीं धूप तो कहीं छाया, खुदा तेरी क्या माया। गौरव एक एक रोज यहाँ पर ले राकेश, और मेरे मैं बैठी नोट करके चली आऊंगी, राकेश मेरे पास आएगा तो पहले नहीं है ना, और क्या सोचना क्या। यह देखिए गाइस ये देखिए किस तरह से सूट पाल गिर रहा है, कुछ भी नहीं है इसमें, कुछ भी जरा सा पानी, जरा सा पानी गिर रहा है इसमें, देखो कितना सुंदर नजारा आ रहा है। चलो चलो गौरव उधर चलो, पता नहीं इधर कब गिर जाए, कितना मस्त लग रहा है देखो। जाइए कोई हम आए जहाँ तुम आए, हम जो हमारे वो क्या कहते हैं मकरादा, ये हमारा गोपी सागर डैम है, यहाँ पे एक टाइम पे बहुत ज्यादा तेज ये सूटपाल गिरता था, अभी कुछ भी नहीं है, पिद्दू सा गिर रहा है। चले तो दोस्तों हमारे गाने की मोस्टली आधे से ज्यादा शूटिंग कंप्लीट हो चुकी है, थोड़ा ज्यादा बोलो। हेलो चैनल रेडी, हट जाओ। बड़ी स्पीड से पीछे से गाड़ी आ रही है, कुछ पागल लोग गाड़ी को इतने हवा में उड़ाते हुए लेके गए हैं। और देखिए देखिए वो नाव दिख रही होगी आपको, वहाँ पे चार्ज लगता होगा शायद इतने बड़े तालाब में घुमाने का। चलो नाव में चलें कि एक बार नाव की सवारी हो जाए। बस बस बस, बस बहुत है, वैसे भी देखिए दीदी और राकेश कितने आगे पहुंच चुके हैं। चलो हम लोग भी स्पीड बढ़ाते हैं, जल्दी चलते हैं। अभी दो मिनट का। हाय गाइस, तो आप देख सकते हैं हम लोग है ना गोपी सागर डैम से निकल चुके हैं, अब हम लोग घर को नहीं गुना को जा रहे थे, तो हमारा जो मरने वाला रोल था ना तो वो हम लोग यहाँ ले रहे हैं, यहाँ शूट कर रहे हैं। देखिए दीदी खड़ी हुई है, और दीदी आप ये स्लीपर पहन लो, पहनो पहनो ना। बहुत अच्छा सीन कैमरे में नहीं ले पाई, इतना प्लेन रोड, इतना क्लीन रोड डला था, एक इतना क्लीन रोड डला था, एक ट्रक आया और पता नहीं बेवकूफ था यहीं से लेके चला गया, पूरी रोड खराब कर दी उसने, तो गंदा लगेगा वीडियो में, पर कोई बात नहीं। ताली में कैसे बजाऊंगा, मेरे हाथ में कैमरा है, ताली कोई बजा दी और आपका एक्सीडेंट होगा, ताली उसी का फोन है ना, बता ये आपकी फैन है बहुत बड़ी आपकी गाड़ी। भैया सिर्फ नमस्ते ही करोगे, आज बाद में ला लो ऑटोग्राफ दे दे लो दे दो यार आप, बहुत अच्छा कर लो दीदी उनको एक बार क्या बोलो। तो दोस्तों ये है गौरव भैया, इनका नाम गौरव है, इन्होंने ही हमारा सिंगर गाना गाया है।
हेलो गाइस होटल के आगे आए एंड होटल के मालिक ने अंदर जाने से मना कर दिया बिकॉज द होटल इज 5 स्टार एंड लग्जरियस होटल. सो ठीक है, इट्स ओके, क्योंकि अगर हमारे साथ भी कोई कभी ऐसा होता है कि मतलब कोई अनजान व्यक्ति हमारे घर पे शूटिंग करने आए तो हम उसको ऑब्वियसली मना ही करेंगे ना. तो ठीक है उनके हिसाब से, बट हम लोग कोई नेक्स्ट लोकेशन देखते हैं, कहीं कोई समझ में आ जाए तो अच्छा है. अभी गौरव भैया आए हुए हैं जिन्होंने हमारा सॉन्ग गाया है, वो जुगाड़ कर रहे हैं. पूजा खुशी के मारे समाए नहीं जा रहे, पूजा को इतनी एक्साइटेड हो रही है कि जिसने हमारा ये गाना गाया है वो भैया हमारे सामने खड़े हैं. पूजा फूले नहीं समा रही है और देखिए वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं. इतनी छोटा सा लड़का है, इनकी एज गाइस सिर्फ और सिर्फ 18 साल की है और उन्होंने ना इतना प्यारा गाना गाया हमारा जो आप लोग वीडियो में देख सकते हो. अभी तो हम ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो पूरे नहीं सुना सकते, लेकिन आपको वीडियो में ज़रूर सुनने को मिलेगा दीदी के चैनल पर. और देखिए हम बताते हैं आपको, हाँ ये है होटल. देखिए गाइस ये है होटल हमारी है, कौन सी है, प्ले होटल है. प्ले होटल यार ये अंदर से एक नंबर होटल लग रही थी, इतनी 5 स्टार की तरफ बहुत ही ज़्यादा मस्त लग रही थी यार ये. तो अब देखते हैं हम लोग इस होटल वरुण के सामने खड़े हुए हैं, क्या ये भी हमें परमिशन दी. तो गाइस अभी आप देख सकते हैं हम ट्रैफिक में खड़े हुए हैं और हमें कोई भी होटल नहीं मिल रही है शूट करने के लिए. बहुत ही बुरा लग रहा है और देखिए सभी लोग हैं हमारे यहाँ पर टीम में सारी की सारी और गुना के मेन रोड पर खड़े हुए हैं. हम लोग देख सकते हैं इधर एक होटल है वेरी बिग.